हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो आज हमारा है जितिया का नहाए खाए और आज हम बनाए हैं स्पेशल थाली जो बनता है जितिया में। तो चलिए हम सब दिखाते हैं क्या क्या आज बनाए हैं। आज है जितिया का नहाए खाए और बन रहा है नोनी का साग, कोए के पत्ता का तरुआ, कंदा का चोखा और सब्जी, झिंगनी का सब्जी। ये बहुत ज़रूरी है नहाए खाए के दिन जितिया के। तो हम सब तैयारी कर लिए हैं, चलिए आपको अब हम दिखाते हैं कैसे बनता है। सबसे पहले हम डालेंगे सरसों का तेल, इसमें हम डालेंगे जीरा, मेथी और मिर्चा का तड़का। इसमें हम डाल देंगे हींग थोड़ा सा। इसमें हम डाल देंगे 2 चम्मच अदरक लहसुन, जीरा और धनिया का ये जीरा और काली मिर्च का पेस्ट है ये। इसी में डाल देंगे 1/2 चम्मच हल्दी, 1/2 चम्मच से थोड़ा सा कम धनिया पाउडर और 1/2 चम्मच मिर्च पाउडर, ये एकदम बिल्कुल छोटा वाला चम्मच है। सबको हम भून लेंगे। अब डाल देंगे हम झिंगनी, सतपुतिया, जो ये जितिया के नहाए खाए में बहुत ज़रूरी है। इसको हम ढक कर छोड़ देंगे गलने के लिए। इसको हम अब ढक देंगे एकदम मीडियम फ्लेम पर। इसको देखिए पानी छोड़ रहा है, इसको बीच बीच में हम चलाते रहेंगे। और अब इसी में हम डाल देंगे नोनी का साग। इसका अलग से भी साग बनता है सेम प्रोसेस से, लेकिन इसमें भी डालकर बनता है। जितिया के दिन बहुत कुछ बनाना रहता है तो लोग अलग अलग बनाने से भी बचते हैं। तो आज हम भी सेम वैसी तरह कर दिए और इसको ढक देंगे गलने के लिए। जब तक झिंगनी का सब्जी होता है हम बना लेते हैं कंदा का चोखा। तो कंदा को हम पीस पीस में काट कर बॉयल कर लिए हैं साफ़ करके, और इसमें अब हम डालेंगे क्रश करके। हम डाल देंगे 6 है हरी मिर्च, 1 इंच का टुकड़ा अदरक और 8-10 कलियां लहसुन का है। सबको हम क्रश करके तब इसमें डालेंगे। कंदा को हम मिक्स देंगे अच्छी तरह से, बिल्कुल गल जाता है उबाल देने पर। इसको हम एकदम चिकना कर देंगे मिक्स कर। इसमें हम डालेंगे नींबू का रस, 2 नींबू का रस हम निकाले हुए थे। सरसों तेल डाल देंगे हम 1 सर्विंग स्पून के अंदाज। स्वाद के अनुसार हम नमक डाल देंगे। इसमें आप अमचूर या खटाई, ये नींबू का रस जरूरी है क्योंकि थोड़ा सा इचिंग करता है मुंह में। अब हम डाल देंगे इसमें अदरक लहसुन और मिर्चा को हम क्रश कर दिए हैं, सबको मिला देंगे अच्छी तरह से। सबको हम हाथ से ही अच्छी तरह से मिला देंगे। तो इसको हम एक बोल में ट्रांसफ़र कर दिए हैं। तो देखिए तैयार हो गया कंदा का चोखा। अब इसमें हम डाल देंगे स्वाद के अनुसार नमक और इसको अभी हम पानी सूखने तक चलाएंगे। जब पानी सूख कर एकदम ड्राई हो जाएगा तब हम गैस को बंद कर देंगे। साग भी इसमें गल गया है अच्छी तरह से, सब्जी तैयार हो गया। अब हम गैस बंद कर देंगे एकदम। इसी तरह का ड्राई सब्जी होता है झिंगनी का भुजिया टाइप। तैयार है झिंगनी और नोनी का सब्जी। आप लोग ही ज़रूर बनाइएगा, बहुत ही स्वादिष्ट लगता है ये। अब हम ले लिए हैं ये मड़ुआ का आटा है, 150 ग्राम आटा है ये। और इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा गर्म पानी, वैसे आप ठंडा पानी से भी सान सकते हैं लेकिन गर्म पानी से थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाता है तो हम गर्म पानी से ही इसको सानते हैं।
तो इसका भी आटा हम देखिए मिला लिए। अब इसको 10-15 मिनट तक हम छोड़ देंगे, उसके बाद इसका रोटी या पराठा आप कुछ भी बना सकते हैं। अब हम हाथ में घी लगाएंगे और आटा को लेकर इसी तरह हाथ पर ही हम ठोक लेंगे। आप चाहें तो प्लास्टिक पन्नी लगा कर भी आप इसको रोटी जैसा बेल सकते हैं, लेकिन हम हाथ पर ही इसको अच्छी तरह से कर लेते हैं। देखिए कितना अच्छा लंबा हो गया गोला बिल्कुल। अब इसको हम तवा पे डालेंगे। पहले हम तवा पर थोड़ा सा घी डालेंगे, तवा गर्म हो चुका है, इसको हम डालेंगे घी इस पर और तब इसके बाद हम इसको रोटी को डाल देंगे और ऐसे फैला फैला देंगे। जितना पतला हो जाएगा उतना ही जल्दी ये पक जाता है। अब हम इसको पलट कर फिर दूसरे साइड सेंक देंगे। आप इसका पतला घोल कर पुआ भी बना सकते हैं, रोटी तो बनता ही है, और हम ये मोटा मोटा थोड़ा सा पराठा या लिट्टी जो कहिए इसको हम बना लेते हैं। दोनों साइड ऐसे ही हम क्रिस्पी होने तक एकदम सेक लेंगे। अब हम घी लगा देंगे दोनों साइड। इसको पलट पलट कर सेक लेंगे अच्छी तरह से। तो मड़ुआ का रोटी भी तैयार हो गया। देखिए आप लोग कैसे बनाते हैं हमको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, हम भी वैसा बनाएंगे, क्योंकि हमको भी और मेरे बच्चे दोनों को भी बहुत अच्छा लगता है मड़ुआ के आटा का रोटी, झिंगनी का साग, झिंगनी का सब्जी, नोनी का साग और कंदा का चोखा या सब्जी। सब चीज़ तैयार है और साथ में हम ले लिए हैं छोटी वाली मछली फ्राई, एक बड़ी वाली मछली का पीस है और पोहे का पत्ता का तरुआ, झिंगनी के साग का तरुआ और आलू के साग का तरुआ। दोस्तों अगर आपको ये आज की रेसिपी, हमारी स्पेशल रेसिपी पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब कीजिएगा, जो सब्सक्राइब किए हैं उनको दिल से धन्यवाद। तो फिर मिलेंगे हम अगली रेसिपी में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।